झूठ का भाव क्या बढ़ाया है, आपने तो बहुत कमाया है। बढ़ गए उसके आशा से अपने हुक्मरान, जिसको भी बनाया है अपनी हालत नहीं बदल पा रही। लेकिन अब आ रहे हैं वासु चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या कदी जहेज़ का समान दे गिलास तोड़ के वेख तेनू पता लगेगा ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਗਲਾਸ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਕੌਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਕੁਛ ਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾਇਆ। बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन इन पंजाब और इसके अलावा 4 दफा MP रह चुकी हुई हैं पंजाब असेंबली में, मोहतरमा आजमा बुखारी। हमारे अगले दोस्त थे पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MPA जनाब हबकूक रफीक। शो जी, आज फिर मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त फैसलाबाद से तशरीफ लाए। हम सब आपके फैन हैं सर। मेहरबानी जी, शेर लाया हूँ बड़ा ही प्यारा अपनी बाजी के लिए। इरशाद, बड़े दिनों के बाद हम सबकी ये प्यारी बाजी आजमा बुखारी आज हमारे सामने आकर बैठी है। अपने कान लपेट के रखना अकरम भाई, लेकिन कान लपेटोगे कैसे, सर पर तो बाल ही नहीं है। झूठियां कसमां खाइए ना, सच नू झूठ बनाइए ना, ते अपने देश जे निभ जावे ते, अपने देश जे निभ जावे ते फिर परदेश नू जाइए ना। क्यों लग रहे आज डरे डरे? अरे अरे, कोई है जो रिश्तों में जहर भरे? आपके संग जो मेहमान बैठी हैं हबकूक भाई, आज अल्लाह ही आपकी खैर करे। मुझे आज तक समझ नहीं आई मेरी बिस्ती करते हैं कि तरीफ करते हैं। तुम भी दे रहा होता है साथ वाले गेस्ट को, अब उसके ऊपर है कैसे। मगर क्या हाल है आप लोगों के? बड़ा फजल खुदा का, ठीक ठाक हैं। आप पहले ये बताएं, आपका इतना वजन क्यों गिर गया है? तो अच्छी बात नहीं है, तुमने वजन बढ़ा के क्या करना था? नहीं, मगर ये क्यों, अब तो हुकूमत आई है तो आपने वजन गिरा दिया? नहीं, जो है हुकूमत का वजन भारी होना चाहिए, मेरा नहीं। अगर नहीं है, आपने कोई खास कोई खुद से किया या ये मसाइल इतने हो गए कि गिर गया सारा? नहीं, मैं वैसे भी कॉन्शियस हूँ खाने पीने के मामले में, मतलब मैं जिंदा रहने के लिए खाती हूँ, खाने के लिए जिंदा नहीं रहती। यानी कि आप बहुत इस बारे में कॉन्शियस हैं, ये जबरदस्त बात। कैसा महसूस कर रही हैं आजकल? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, चले। और बहुत कुछ अच्छा और फील करना चाहती हूँ, दिन ही नहीं आ रहे। ओए हो, दिन ही नहीं आ रहे, तो ये दिन कब आएंगे? ओ, हथकड़ियां नहीं बनियां ये। तो कितना पता है आप, ये देखो मेरे मतलब दिल की बात फटाफट जाना, कैसे तो पता चले। यार तुम ना बीच में ये अजीब तीलियां ना लगाना, आप बताइए क्यों? हाँ। किस दिन का इंतजार है? किस दिन का इंतजार है कि जब हम भी वाकई इंसाफ को इंसाफ होता देखें, जो इस मुल्क की तबाही का बायस है, वो माशी तबाही हो, सियासी हो, इखलाकी हो, जो भी हो, उसको जो है उसके कैफरे किरदार तक पहुंच देखें। उसके लिए तो और उनको लंदन से लेके आना पड़ेगा। भाई नहीं, अभी आपकी बारी नहीं आई, आपकी बारी आएगी फिर उस पर। मैं वैसे समझ सकती हूँ, आजकल डिप्रेशन में बहुत है ना ये लोग बेचारे। डॉक्टर साहब ये बात तय कर दें कि मैं इनकी बात में नहीं बोलूंगा, ये मेरी बात में नहीं बोली नहीं थी। एक दफा तो मैं हिसाब बराबर करूंगी।
ਆਪਨੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਦੇ ਦੀ ਉਹ ਕਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਨੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਥਾ ਜੋ ਇਨਕੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ तो जो जिसने किया है उसको उसकी सजा देखिए हमने ना करदा गुनाहों की सजा पाई थी ना और फिर यह है कि जब वो लंदन से वापस आए तब भी फैसला हो चुका था कि उनको सजा दी जा चुकी थी उसके बावजूद वो वापस आए आके जेल में गए तो ये मौसूफ जो है ये इनकी मुकद्दर अच्छे है या पीर बहुत चंगे ने मतलब दो ही गल्ला ने तो इसलिए ठीक है अब आप बताइए सर जी मैं तो यही कहूंगा जी अब ये बातें वो दौर था जब सिर्फ पीटीवी होता था अब डिजिटल दौर है सोशल मीडिया है अब तो ये बातें बच्चे बच्चे को पता है ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड है कि कोई बंदा कन्विक्टेड 4 हफ्तों की जमानत लेके गया और वो 50 रुपए के स्टाम्प पे और आज तक नहीं आ रहा मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह इतनी दिलेरी से फिर कह देते हैं गल ना करा करो थोड़ी बिस्ती हुंदी है कि तुसी जेड़े ना 50 रुपए दे स्टाम्प पेपर दे काबल और तुसी इस काबल हुंदे ना पहले रोक के बखांदे ते हुण लिया के बखाओ साडा दिल जदों चाहेगा उदों आवांगे कोई दावा कर नहीं रहे तुसी आपे ही दावा कर देंदे हो 4 महीने बाद आ रहे ने मियां साहब पेट्रोल पंप फेंके थे किसी ने पाकिस्तान की तारीख में कभी आज तक कभी किसी ने इस तरह से गाड़ियां जलाई थी कभी रियासत को पहले भी हुआ है ये नहीं है कि पहली दफा हुआ है इनके रिकॉर्ड पुराना है नहीं नहीं वो हमें याद है सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना जब जब जाकर जब जब हमें हमसे एक एक चीज याद है अच्छा तो वो जो मैं को कहने का बच्चा नहीं हूँ मैं 3 साल से पकड़ देखी हूँ पार्लियामेंट पे हमला किया था आपने वो तो नहीं याद होगा उस वक्त तो आपकी मेमोरी ऐसे खत्म हो जाती है जो पीटीवी पे हमला किया था कजन के साथ जाके वो भी नहीं याद होगा कजन को पकड़े ना क्यों जाने दिया फड़ो आप जो पकड़े गए भले आपको तो पकड़ लू फिर कजन को भी सारे भुगते आप शायद ये कहना चाहते थे कि आपका वजीर आजम इश्तियारी होते हुए वजीर आजम था पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान इश्तियारी होते हुए वजीर आजम एक इश्तियारी होते हुए अभी भी नवाज शरीफ इश्तियारी है कोई नहीं इश्तियारी उसके बच्चे इश्तियारी हैं बिल्कुल भी और ये देखो यार क्या ड्राम लगा रही हैं गलत कह रहे हैं आप और सही कहते हो भाई डर के रहना चाहिए था तुम्हारी लड़ाई नहीं मुकनी आप एक मरीज का पता ना लाइए जाके मगर मुझे ये पता है आपकी वैसे मुलाकात है इनसे पंजाब असेंबली नहीं मैंने आज पहली दफा देखा भाई को पंजाब असेंबली में नहीं देखा था मैंने नहीं देख सकी नहीं देख सकी आप अच्छा हमने ही आज मिलाया यानी कि आप लोग आपकी बड़ी मेहरबानी दोनों मेंबर मुझे एक बात बताएं आप दोनों ये जो हमारी जुबान है वो आपको लगता नहीं कि थोड़ी टेम होने की जरूरत है इसको पॉलिटिक्स में काश इमरान खान साहब ने ये सलाद तक ना पहुंचा दिया होता देखिए इमरान खान जब वजीर आजम थे वो शहबाज शरीफ साहब के नाम लेटर लिखते थे ना अपोजिशन लीडर के नाम उनका नाम नहीं लिखा करते थे उनको इतनी नफरत थी अपोजिशन लीडर दैट्स इट नाम नहीं लिखना जब हम अपोजिशन में थे जब स्ट्राइक्स हुई इंडिया की हम तब भी साथ बैठे जब कोविड हुआ हम तब भी साथ बैठे हमने हर मामले पर और आपको मिसाके मईशत की बात की थी शहबाज शरीफ साहब ने जब उन्होंने पहली स्पीच की थी लेकिन इस आदमी की मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा मैं किसी के साथ नहीं बैठ सकता आपने एक बुली का कल्चर डेवलप कर दिया कि इसको बुली करो और इसको जुबान ऐसे बंद कराओ वो नहीं होगी वो अगर ये बदतमीजी का कल्चर इमरान खान साहब ने डेवलप ना किया होता गाली गलौज का कल्चर डेवलप ना किया होता तो बिल्कुल पाकिस्तान के मसाइल सब और ये इमरान खान साहब खुद इसके जिम्मेदार हैं मसाइल के वो कितने जितने भी मसाइल हैं खारजा पॉलिसी के हैं कि आपने हमारे साथ हमसाया मुल्कों को लड़ा दिया आप किसी मुल्क के अंदर जाके दूसरे मुल्क की बुदखुनियां करते थे बैठ के आपने उनके दिए हुए गिफ्ट बेच दिए इससे फर्क पड़ता है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को माशी हालात आपने बड़ा गर्क कर दिया IMF के प्रोग्राम के अंदर आप जो लिख के देके गए थे हम कर रहे हैं आम आदमी के ऊपर बोझ डालना आपका खाला हमारे लिए आसान है हमने वोट लेना है ना जाके हमने लोगों को फेस करना है लेकिन क्या करें ऑप्शन कोई नहीं एक तरफ यह है कि पाकिस्तान को दिवालिया करा दे फिर उसके बाद जो पेट्रोल अभी 250-300 पौने 300 का मिलता है 500 रुपए पे भी नहीं मिलेगा अब इन मसाइल का जो खुद मौजिब है वो बैठ कर बात करने को तैयार ही नहीं है और फिर अगर उसको लेकिन मेरे भरा ने मैं बड़ी देर का जानता पहली बार रंग उड्या वेखिया मेरी जो सारी जिंदगी ख्वाहिश रही कि मेरा रंग उड्या भी चुग चिट्टा निकला हमारे गम में गहराई बहुत है कि हमने देखी महंगाई बहुत है खुदारा और ना कर्जे उठाना कि तुमसे जो भी बन पाई बहुत है हो तेरी खैर मेरे घर के चूल्हे मुशक्कत तूने करवाई बहुत है हाय हाय आ तो आप जब कोई शॉपिंग वगैरह करने जाती हैं शॉप्स वगैरह के अंदर तो वहाँ भी आपको देखते हो आपसे लोग सियासी बात तो करते होंगे लोग सवाल मैं बहुत कम जाती हूँ अब फ्रेंकली ज़्यादा नहीं जा पाती लेकिन जब भी जाती हूँ यकीनन कुछ लोग जो है वो बहुत प्यार से तस्वीर वस्वीर भी लेते हैं वो बात भी करते हैं
कुछ चेहरे हो जाए भी हो जाए जरा सीम वाले, तो वो जरा सीम जाना फिर उसमें मुझे फ्लिट करनी पड़ती है, फिर मैं फ्लिट करती हूँ फिर उनको सुकून ना जाने दी। शॉपिंग करने सच्ची वजह दसो कि तुम 3.5 साल आपस में रहे पल्ले ही कख नहीं सी जाना कितने सी। वेलकम बैक अजमा जी, आपको पता है ये पेंटर भी बड़े जबरदस्त हैं। नहीं, स्केचेस बड़े जबरदस्त बनाते हैं। अच्छा वाह, मेरा तो कभी बनाया नहीं इसलिए मुझे पता है। ये देखें, उन्होंने साथ ही गिला भी कर दिया। नहीं तो मुलाकात भी पहली दफा हुई ना, अब इंशाल्लाह भाई से कहेंगे कि हमारा भी स्केच बनाए। ये आपने बना के देखे भेजना है, जो आप करेंगे ये नहीं करेंगे ये देखें। उन्होंने खुद ख्वाहिश का इजहार भी किया, दोबारा असेंबली में इकट्ठे हो लेना जी, फिर मुलाकात भी करेंगे। इतना महंगा 75 अरब का पोर्ट्रेट नहीं हो सकता, सादे में कर दे प्लीज, आप बना के भेजिए। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, आपको ये तो करना चाहिए ना जी, फायदा तो हो। मैं ख्वाहिश का एहतराम, और आप छोड़े आपने सियासत व्यासत की बात, सारा दिन सियासत की बात करती रहती है आप, मुझे बात थकती नहीं है। मैं थक जाती हूँ, मैं तभी तो मुजाकरात में आती हूँ। मैंने बिल्कुल हमला नहीं किया, कतन नहीं, मेरा भाई है। मैं तो सिर्फ वो जो उनको बातें पता नहीं थी या जो फ्रेश इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही थी, जो इनके दिल के अरमान है, तो मैं तो उसमें बात कर रही हूँ। मैं तो अभी भी chill.com। वैसे मुझे एक बात बताएं, आप जब जाती हैं, क्योंकि आप इतना आपका एक इमेज बन चुका हुआ है, पीपल सीइंग यू ऑन टीवी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही होती हैं और टॉक शोज पे बैठी हुई हैं, तो आप जब कोई शॉपिंग वगैरह करने जाती हैं शॉप्स वगैरह के अंदर, तो वहां भी आपको देखते हुए आपसे लोग सियासी बात तो करते होंगे लोग सवाल। मैं बहुत कम जाती हूँ अब, फ्रेंकली ज्यादा नहीं जा पाती, लेकिन जब भी जाती हूँ यकीनन कुछ लोग जो है वो बहुत प्यार से तस्वीर वस्वीर भी लेते हैं, वो बात भी करते हैं। कुछ चेहरे हो जाए भी हो जाए जरा सीम वाले, तो जरा सीम जाना फिर उसमें मुझे फ्लिट करनी पड़ती है, फिर मैं फ्लिट करती हूँ फिर उनको सुकून। ना जाने दी शॉपिंग करने सच्ची वजह दसो कि तुम 3.5 साल आपस में रहे पल्ले ही कख नहीं सी जाना कितने सी। प्यारे भाई, मेरा खर्चा जो है ना कोई इन्वेस्टर नहीं चलाता घर का, ना मेरे पास जो है ना वो मैंने ATM रखी हुई है, मैं एक खुद सेल्फ मेड खातून और अपना खर्चा खुद उठाती हूँ। हाँ, अगर जो आपने बात की है कि हुकूमत नहीं रही इनके पास 3.5 साल, तो इनके पैसे नहीं होंगे, तो यानी कि आप लोगों के पास पैसे हैं। कमाए थे ना उन्हें। हाँ। मैं जिम्मेदार हूं जी अपना, मैं 7 महीने पे रहा, 21,80,000 रुपया मैं वसूलिया असेंबली तो, ते मैं 23-24 लाख रुपया जलेबी का भटूरे का कैंप ला के दुकान पर रख ला। अल्लाह का शुक्र है मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है, वहां से जो अर्निंग होती है सारी जिंदगी उसी में सियासत की है, उसी में से ये भी लग रहे हैं, और दोस्त बाप हैं जो साथ कंट्रीब्यूट कर देते हैं, और ये पता नहीं मेरा ख्याल है कि 126 दिन का हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे अगर तो इलेक्शन हो गए। हाँ। तो फिर तो नहीं, तो वरना तो हम इधर बैठे हैं। आमीन, मेरा तो दिल चाहता है 126 क्या 526 दिन बैठे रहे वहां। अगर ना हो तो फिर नहीं, मेरे ऐसी कोई कोई प्लानिंग कोई चीज जो है वो नहीं, ना है कोई और वो हालात नहीं है सही। अब ये तो अल्लाह ताला को हालात पता ना, मैं तो हालात लिखने वाली हूं नहीं, ये वाले हालात जो भी हैं ये वाले सही हैं या ये इससे अल्लाह करे हालात और बेहतर हो जाए। मेरे तो दुआ है ना सिक्योरिटी के मामला भी ठीक हो जाए, पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया IMF के प्रोग्राम में हमारी जो गर्दन फंसा के गए हैं उसमें से हम किसी तरह जो है वो IMF से जो है वो अपने गर्दन खलासी करा सके। बाजी अवाम इसी तरह मरती रहेगी महंगाई से। समझ आ जानी चाहिए कि अगे आउंदी सी गवर्नमेंट नून लीग दी ते पीपल्स पार्टी दी, ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 13 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਲੇ ਪੈਣਾ ਕੁਝ। ਸਭ ਜਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਨਕੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਕਾ ਅਰਬੋਂ ਰੁਪਿਆ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਨਿਕਲਾਈਆਂ, ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਮੰਡ ਕੇ ਕਫਲਿੰਗਸ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਮੰਡ ਕਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਮੰਡ ਕੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਮੰਡ ਮਤਲਬ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 5 ਕੈਰੇਟ ਕੀ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਸੈਟ ਕੇ ਅੰਦਰ, वो अरबों रुपए का सेट फरा गोगी नु काद ली भेजिया सी बेचे वास्ते। अच्छा, सारे भी पैसे इकट्ठे कर लेना अपने हिसाब ना, पार्कलैंड फिर भी एक फ्लैट नहीं होना आंदा है उस तो। बाद वैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी यहां तक 2 नंबरी की है कि नकली तोशा खाना के अंदर चीजें रखकर असली घर ले गए, और अभी ये हमें बताएंगे कि पार्क लेन 10 पार्क लेन आते हैं भाई। दोनों पार्क लेन को बड़ा खराब कर रहे हैं, इसमें इतना रेट ना खराब कर। अगर ये पूरा जो इन्होंने चोरी की है अगर इसके ऊपर ट्रायल में इमरान खान पेश हो जाए
और इसके ऊपर जो है वो उसको सजा हो जाए, वो अगर इनसे बरामदगी करा लो, मैं पाक लेने अगर अगर तुम्हें 5 फ्लैट उसमें ना लेके दूं तो मैं गवर्नमेंट से हड्डी है ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਅਗਰ ਬਣਾ ਰਹਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਰੋ ਮੇਜ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਦਲੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕਾਦਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਬਾਰ ਬਾਰ 3 ਦਫਾ ਕਹਿਤ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਲਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ 2100 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਹਲੇ ਤੇ ਇਸਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜੇ ਜਾਣ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਰਾ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਬਚਾਵ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫੜਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀ ਮੱਤੀ ਆਈ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੋਹਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੇਨ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਸ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ मैनू कहिंदे गल इदां ही ना बनाया कर इह जदों दा ज़मान पार्क दा इवेंट शुरू होया है मेरे ख्याल रश दी वजह तू किधरे नजर नहीं आ रहा अच्छा ते वेख यार किधरे आया ने ते बुला दे मैं गपशप करनी ठीक है मैं सारा ज़मान पार्क वेख्या अच्छा किथे टर गए इधर गिरफ्तारी ना हो गई सारे थाने चेक किते सारे रजिस्टर चेक किते गिरफ्तार बंदे मुंह चुक चुक के चेक किते नहीं लभे अखीर फिर साडे कोल आखरी अरबा ते हुंदा ही है लाइव है मैं लोकेशन ओके लाइव लोकेशन मैं चेक कीती ते मुबारक होए भला किथे सन किथे ज़मान पार्क च ही तो मैं के लभ क्यों नहीं रहे डाला कढ़िया आया नहर ते आया ते लोकेशन नहर दे इस पासे मतलब ज़मान पार्क दे सामने गया फिर जाके दरवाजा खोलिया सामने मंजी दे उत्ते मोटा तकिया ला के ते दूरबीन ला के बैठे सन ज़मान पार्क की तरफ जी सर अच्छा यानी परले सामने बैठ के की कर रहे हो कहंदे ने देख रहे हैं भी ओथे की हो रहा है अच्छा ते मैं के उधर क्यों नहीं आंदे कहंदे ने यार 3.5 साल मैं लाहौर च रहया मैं बड़ी स्मोक बर्दाश्त कीती हां ए शैलां दी स्मोक मेरे को नहीं बर्दाश्त हुंदी अच्छा ते मैं क्या उठे कदों आओगे ज़मान पार्क हां कहंदे ने जदों गलियां हो गईयां सुंजियां मुबारक होवे लभ गए ने कहंदे ने मुबारक होवे शुक्र है लभ गए ने ये नहीं पूछा भी किथे ने लभ ते गए ने है ते सही ने ना मैं क्या शुक्र है मेरी जान छुट्टी मैं क्या तुहाडे कोल जाणा जाके पता करा ओ माशाल्लाह बाजी होरी फिर आए ने yes. ते बाजी होरी आए ने ते दसिया ही नहीं पता भी मेरे फेवरेट है के ने अच्छा मुबारक होए नून लीग ज्वाइन कर ली ने ज्वाइन नहीं कर ली नून लीग में शुरू तो ही हां लो दसो मैं पहले समझा काफ लीग च होंदे नहीं खुदा दा वास्ता भाई काफ लीग ते रही नहीं काफ लीग दे ले गए 4 बंदियां दी पीपल पार्टी दी पीपल पार्टी हां अभी आप भी हां बड़ी खिदमत है के ने बाजी दी खिदमत बड़ी है फिर पीपल्स पर लेकिन ये गल ने भी जेडी पार्टी चोन लॉयल होंगे भाई बंदा जिम्मेदारी नाल काम करे इसलिए माशाल्लाह फुल जोर ला रहे ने मेरे इमरान खान साहब फड़े जान अच्छा लेकिन कितों ओ नहीं फड़े जांदे ए जरा ना नाम नोट करो जरा मैं हुकूमत नु जाके देवा ए इमरान खान दे जेडे तुसी शौकिया बचाव जाके बैठ रहे हो ना तुहाडे वर्गे कर लेने तुहाडा इलाज ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫੜਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀ ਮੱਤੀ ਆਈ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੋਹਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੇਨ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਜ
जी एक फ्रेश फोटो दे दियो क्योंकि वो इलेक्शन जड़े नहीं होने ओदे पोस्टर दे उते तुहाडी फोटो मैं लानी है पॉलिटिकल वर्कर और हम पाकिस्तान का इनको मानते हैं अच्छा कि तुसी भी इत्थे ही हो बाजी भी इत्थे हैगी मैं नहीं इत्थे हैगा वेलकम बैक जी आवाम का सवाल जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम जावेद सरोया दोनों पार्टीज के रहनुमाओं से मेरी जो ये गुजारिश है सवाल है कि क्या आप दोनों के अंदर ये क्वालिटी है कि अपने लीडर को इकट्ठे बिठा सकें मैं चाहूंगा कि आप मुल्क पाकिस्तान को जो है उसकी हालत पर रहम खाएं आप अपनी खिंचातानी में मुल्क पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं जी यही सवाल है जी मेरा आपसे मैंने पहले भी बात की थी कि हम जब अपोजिशन में थे हमने तो अब भी बैठने की बात की थी लेकिन इमरान खान साहब शर्तें रखते हैं पहले ये काम करो मैं फिर बैठूंगा चोर डाकुओं के साथ तो उन्होंने बैठना नहीं ना वो खुद इतना बड़ा सादे कमीद है जिसकी खुद की चोरियां डकैतियों के अब जो इम्कानात कोई नहीं तो हमारे बस में नहीं है क्वेश्चन इज सिंपल आर देयर पीपल इन योर पार्टी दैट वुड लाइक टू सिट विद हम तो हमेशा बैठने के लिए तैयार हैं वो बार बार कह चुके हैं हमारे साथ बैठना नहीं चाहते मेरी बात सुन ले अब आप जवाब दें इसका मैं इसका जवाब इस तरह देता हूँ कि जब नो रिटर्न पे बात चली जाए तो फिर उसका एक ही हल है कि पब्लिक में आवाम में जाया जाए और वो हल है इलेक्शन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन मेरा नाम एमन जावेद सरोया है और मेरा सवाल हकूक साहब से है कि 3-3.5 साल तकरीबन आपकी हुकूमत रही है तो हमें कोई भी कारकर्दगी नज़र नहीं आई ऊपर से महंगाई इतनी कर दी है आवाम परेशान है रो रहे हैं लोग तो अभी अगर आपको मौका मिलता है आपकी हुकूमत आती है तो आगे क्या प्लान्स हैं आपके आप क्या कारकर्दगी करके दिखाएंगे थैंक यू मैडम जी सर अच्छा जी एक तो 3-3.5 साल में से 2 साल तो कोविड के निकाल दें उसके बाद जो क्रॉप हमारी जिस तरह ज़राअत की आपने तरक्की वो नहीं देखी मैं हैरान हूँ और जीडीपी आपने नहीं देखा कि किस तरह 6 पे गया अब आप अगर इसी को ले लें वो आप महंगाई की बात कर रही हैं 3.5 साल की और अभी उसको कंपेयर करें 10 महीनों से 11 महीनों से अभी वो देखें तब आटे का क्या रेट था आज तो मिल नहीं रहा मैं टीवी पे देख रहा था 9 लोग मर गए आटा लेते हुए ये मुफ्त आटा देख रहे 9 लोगों की डेथ हो चुकी है और सैकड़ों में जख्मी और जो 60-65 रुपए आटा था वो 100 से ऊपर चला गया पेट्रोल जो 150 पे मिल रहा था वो 300-350 पे चला गया ये 10 महीनों की कारकर्दगी और 3.5 साल की कोविड की कारकर्दगी कोविड के होने के बावजूद 60 रुपए से ऊपर आटा नहीं गया 150 से ऊपर पेट्रोल नहीं गया कि इनके दौर में 65 रुपए आटा नहीं था 75 पे बल्कि 100 पे भी गया जनाब के दौर में चीनी और आटे का पूरा स्कैंडल आया था प्यारे भाई जिसमें तुम लोगों ने जेबें भरी थी पहले ये तो बता दो कि जब मैं हुकूमत देके गई थी मेरी पार्टी मेरी हुकूमत देके गई थी तब आटे की कीमत 35 रुपए थी कि नहीं थी तब चीनी की कीमत 55 रुपए थी कि नहीं थी वहां से तुम लोगों ने जो एक्सेल लगाया ना उसको वो आज तक नहीं ठीक हो रहा ये IMF के साथ तुम साइन करके आए हो मेरे प्यारे भाई जिनका नाम चीनी के स्कैंडल में आया था वो आजकल आपके साथ बैठे हुए हैं जिनका नाम चीनी स्कैंडल में आया था वो आपके बड़े आजकल बन के बैठे हुए हैं बिल्कुल नहीं आपके उसके अंदर जो है ना वो चीफ मिनिस्टर से लेकर असद उमर से लेकर खुसरू बख्तियार तक नाम है भाई तुमने फिर नहीं रिपोर्ट पढ़ी मैंने पढ़ी हुई है मेरे साथ ये बहस ना करो भाई जान वो खुसरू बख्तियार साहब किधर होते हैं मियां नवाज शरीफ को मिलने गए मैं लो अच्छा आपके पार्टी के मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को मिलने चले गए भाई सारे चले जाते हैं अगर एक हमारा चला गया तो क्या होगा याद आया ये कब वापस अच्छा आप इलेक्शन अनाउंस करें आगे इलेक्शन लड़ेगा इधर अच्छा मुझे एक बात बताएं एक तो पहले इंटरेस्टिंग बात थी एक इंसान 3.5 साल फेडरल मिनिस्टर रहा और उसके बाद वो आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ को मिलने चले गए तो यानी कि एक तो वो डिसलॉयल हो गए आपने मुझे कहा कि फिक्र ना करें वापस आ जाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे यानी कि वो इस सब के बाद वो जब वापस आएंगे तो आप लोग इनको वापस उसी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे मैं कह रहा हूँ वो बेचारा छुट्टियां मनाने गया होगा क्या कर गया गया इधर ये कौन सी छुट्टी है जो कि वो पहले क्या थी जब आप लोग की छुट्टियां मना रहे नहीं है उनके पास जवाब एक दफा एक तरफ वो कह रहे हैं मिलने गए मतलब 25 मई को जब डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी टूट रही थी तो वो बंदा बाहर बैठा हुआ है और अब आज हम इधर पहुंच गए उसका भाई इधर ही है ना हमारे साथ होता रोज तो उस भाई को छोड़े मुझे खुसरो बख्तियार का बताएं आ जाएगा वो भी आ जाएगा टेलीफोन दे गल कर लेने मुझे हैरत इस बात पे कि वो आ जाएंगे और ये एक्सेप्ट कर लेंगे अच्छा टिकटें देना कोई मेरे बस में नहीं है बिल्कुल नहीं है और इस दफा हमारी पार्टी में ये खासा फैसला कर चुके हैं कि जो इस मुश्किल हालात में मेरे साथ खड़े हैं टिकटें उनको दी जाएंगी सवाल पूछिए सर मेरा नाम आसिफ भट्टी है और मेरा सवाल अजमा बुहारी साहबा से है और आपके गवर्नमेंट आने से पहले महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन जब आप आए तो आपने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे तो आपने महंगाई ज़्यादा कर दी तो आप उससे पहले पेट्रोल 150 रुपये था और जो डॉलर था वो भी तकरीबन 150 या 160 था अगर आप उसे महंगाई ये कंट्रोल नहीं होती थी तो आपने ये जुल्म क्यों किया ये गवर्नमेंट क्यों छीनी इसके बारे में मेरा ये सवाल है आपसे देखिए जी पहले तो पहली बात ये है कि भाई IMF का नाम सुना हुआ है आपने वो क्या होता है
वो अगर नहीं सुना तो शौकत तरीन की ना आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिएगा, जिसमें वो बता रहे थे कि 50 रुपये पेट्रोलियम लेवी ना वो करने का वादा करके आए थे IMF से, और IMF जो अभी तक जिस कुछ सारा जो साइन करके आया ना इमरान खान, जिसमें उसने बिजली के यूनिट की कीमत जो है 36 रुपये से ऊपर ले जानी थी, ये IMF ने किया है। और ये जो अभी तक IMF जो है ना पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है उस मुआहदे के जो इमरान खान ने किया हुआ है, तो ये IMF का मुआहदा जो है इमरान खान को कैसा करें कि IMF को जो है उसके सामने खड़ा कर दें और इससे हमारी जान छुड़ा दें, बाकी चीजें जो है दुरुस्त करके देना मेरी जिम्मेदारी है, IMF के अंदर होता हुआ पाकिस्तान मेरी जिम्मेदारी नहीं है। IMF के बाद का प्रोग्राम मेरी हुकूमत ने किया था ना, जब IMF का प्रोग्राम, तो हमने 2016 में IMF को खुदाफिस कह दिया था प्यारे भाई, अगर आपको तारीख याद हो। अच्छा वो बकर की तरह जो साडा कहता था मुझे डील करना आता है मैं करूंगा IMF से, वो किधर है? वो कर रहे थे डील, लेकिन अब IMF तो आड़ी पे ही हुई थी। चले छोड़े इसको, 2020 में खेलने लगा हूं, आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अजमा जी आपसे स्टार्ट करो, अबकू का आपसे करो, बताएं जो आपका दिल करे। आप लोग डिसाइड करें, इतना तो डिसाइड कर रहे हैं आपस में। लेडीज फर्स्ट है जी। अजमा जी बता दीजिए कि इनमें से किसकी तकरीर टीवी पे आ रही हो तो आप बार बार सुनेंगी, किसकी तकरीर आ रही हो तो उसको एक बार सुन लेंगी, और किसकी तकरीर आ रही हो तो आप उसको फिलहाल म्यूट कर देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं, शायद खाकान बासी, दूसरी ऑप्शन है राणा सनाउल्ला, तीसरी ऑप्शन है राणा तनवीर साहब। मैं राणा साहब की बार बार सुनूंगी, बार बार सुनेंगे। एक बार किसकी सुनेंगी? खाकान बासी साहब। और किसकी म्यूट हो गई है? राणा सनाउल्ला की। ठीक है, राणा सनाउल्ला पहली बार बार सुनूंगी, इनकी का है। राणा तनवीर साहब की म्यूट हो गई है। ठीक है, ये बता दीजिए मैडम, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक और मुश्तबा शुजाउर रहमान। तो सेल्फी किसके साथ है? ख्वाजा साद रफीक साथ। मुस्कुराए किसको देख रही है? मुश्तबा और सलमान दोनों भाई हैं, और लेकिन चले साद भाई के साथ चुके सेल्फी हो गई है तो सलमान को मुश्तबा साहब को देखे, और लिफ्ट से बाहर अभी चले गए हैं सलमान साहब। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जाएंगी, जिसको लेके जाएंगे वहीं छोड़ेंगी, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आबिद शेर अली और तलाल चौधरी। तलाल को छोड़ाऊंगी। तलाल को छोड़ दिया, ठीक है। टाइटैनिक पे 2 VIP पास, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। टाइटैनिक में इनके साथ जाना है तो जानता ही नहीं बंदा रहा। देखिए ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही अवेलेबल है हमारे पास। मौलाना साहब के साथ मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। आसिफ जरदारी साहब, ठीक है, डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स, किसको दे रही है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट और बुशरा अंजुम भट्ट। हिना को दे दी है, हिना ले गई है, बुशरा आपको नहीं मिली है लाइफ जैकेट। ठीक है, अब गुग साहब तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। किसका पोर्ट्रेट बनाना चाहेंगे आप इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज। नहीं, बिलावल का बर्दाश्त कर लूंगा, बिलावल का बना लेंगे। ठीक है, ये बताइए आप भी तकरीरें सुन रहे हैं, किसी एक की तकरीर बार बार सुननी है, किसी एक की एक बार सुननी है, और किसी एक की आपने म्यूट ही कर देनी है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मुराद सईद, फवाद चौधरी और मियां असलम इकबाल। तो किसकी बार बार सुनेंगे? मैं मुराद सईद की सुनूंगा जी बार बार। किसकी आप एक बार सुनेंगे? फवाद चौधरी। और किसकी आप म्यूट कर रहे हैं तकरीर? मियां साहब की कर दूंगा। मियां साहब की कर दी आपने। ये बताइए सर, मॉर्निंग अलार्म के तौर पर एक आवाज आपके फोन या आपकी घड़ी के अंदर फीड कर दी जाएगी, आप रोज सुबह उठेंगे तो वो आवाज आपको उठाएगी एज द मॉर्निंग अलार्म। अब सोच लें किसकी आवाज होगी वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राणा सनाउल्ला और अता ताड़। मैं माफी मांग सकता हूं जनरल मथला ले, आप जनरल नॉलेज भी जा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जनरल नॉलेज में पास हो जाऊं। अच्छा, जनरल नॉलेज भी चले गए? ओए होए, आपका काम तो सी कर देता है साहब। ये बताइए, दुनिया की पहली वाटर प्रूफ करेंसी किस मुल्क ने बनाई? क्या ये क्या बात है अजमा जी, उनका जवाब ट्राई तो कर दो। भाई जनरल नॉलेज का जवाब दे साहब, आप वापस जा सकते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पे। मेरे शहर दा जी राणा सनाउल्ला, मैं ओदी बात सुन लांगा। हां राणा सनाउल्ला, प्रॉब्लम पता है ये, इन्हें ना उत्तो जो तो कमा के लिया है ये ना, फिर आनंदी थान पे आ जाते हैं। ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को छोड़ के आ सकते हैं आप, खुद वापस आ जाएंगे आप, किसको चांद पे लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाह महमूद कुरैशी और असद उमर। शाह महमूद कुरैशी को छोड़ूंगा। शाह महमूद कुरैशी को चांद पे छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, टाइटैनिक पे पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और डॉक्टर फरदौस आशिकवान। मैं बस यात्रा में खड़ा जी, मैं क्यों खड़ा हूं? दूसरी कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरी रहमान और अजमा बुखारी।
हर सूरत अजमा बुहारी जी जेड़ा अच्छा प्रोग्राम मेरे नाल कीता कोई लड़ाई नहीं हुई साड़ी थैंक यू सो मच अजमा जी एज ऑलवेज बहुत बहुत शुक्रिया।